जय श्री कृष्ण। स्टार प्लस की यूट्यूब पेज पर आने के लिए आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद। अपने फेवरेट शो देखने के लिए स्टार प्लस की यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब करें और वो बेल आइकन को हिट करना मत भूलिए। ध्यान रखियो। मैम, इन दिनों सभी शोरूम्स में एक खास ऑफर चल रहा है, क्वींस ऑफ डायमंड, जिसमें आप ग्रैंड प्राइस जीत सकती हैं और वो भी हीरो का हार। पूरे 50 लाख का। अच्छा, तो फिर हमें क्या करना होगा? बस आपको 15,000 या उससे अधिक की खरीदारी करनी होगी और हर 15,000 की खरीदारी के ऊपर आपको कुछ कूपन्स मिलेंगे जिनसे आप वो ग्रैंड प्राइस जीत सकती हैं। तुम सब अपनी पसंद की चीजें देख लो। अरे गणेश भाई, वो वाला हार दिखाइए ना जो मैंने आपसे अलग रखने के लिए कहा था। इलेश भाई को वो सेट दिखाओ जाके। जाओ किंजल, इलेश के साथ जाओ और वो हार पहन के देख लो। जाओ। ये कितने का होगा? लगभग 5 लाख का। अच्छा, कुछ ज्यादा ही महंगा। अरे तुम दोनों यहाँ आओ, वहां खड़े क्या कर रहे हो? अरे अपनी अपनी पत्नियों को मदद करो। ये दिखा दीजिए। ला, मैं पहना देती हूँ। आओ गोपी। देखो तो मेरी बहू कितनी खूबसूरत दिख रही है। बेटी मैं अभी आई। इलेश, तुम यहाँ खड़े खड़े क्या देख रहे हो? किंजल को मदद करो हार पहनने के लिए। हेलो जी, कहिए। किंजल, तुम्हें ये हार पसंद आया?
पसंद है। मैं इसे पैक करा देता हूँ। उमंग है जिसे हमने रेस्टोरेंट में किंजल के साथ देखा था। और अनीता कैसी है? क्योंकि प्यार मैं सिर्फ अनीता से करता था, तुमसे नहीं। सब ठीक। मैं यहां बस कुछ काम से आया था। एक्सक्यूज मी, मैं यहां जिस काम से आया था मैं वो जरा वो देख लूं। चले चल। अरे तुम सब यहाँ चुपचाप क्यों खड़े हो? सब कुछ ठीक तो है ना? अब आंटी जी मैं आपको बताती हूँ। वो क्या है ना, किंजल बेन ने घर में सगाई है ना, तो बस बहुत सारे काम पड़े हैं, हम उसी के बारे में सोच रहे थे। अरे तुम जैसी समझदार बहुओं के होते हुए किस बात की चिंता, सब काम बढ़िया ही तो होगा। अब हमें निकलना है, घर में बहुत सारी तैयारियां करनी है, तो हम सगाई पे ही मिलते हैं।
हमारी तरफ से जय श्री कृष्ण बोल दीजिए घर पे। आइए। कोकिला, पिछली बार बच्चों की शादी में जल्दी जल्दी में हम हेमंत पंड्या जी को बोलना भूल गए थे। वो मुझे मिले थे तो सुना रहे थे मुझे। मैं ये कहती हूँ कि सबसे पहले उन्हीं के नाम से शुरुआत करते हैं। हाँ। मोटा भाभी, वो बाकी रिश्तेदार है ना, वो जूनागढ़ में रहती है, क्या नाम, नंदू मासी। हाँ, नंदू मासी। अरे आ गए, कैसा रहा सब कुछ? ये? हाँ काकी जी, किंजल बेन की सासू माँ तो बहुत अच्छी है, वो बहुत खुश मिजाज भी है। वैसे हमारी ये छोटी सी प्यारी सी नरन वहाँ बहुत खुश रहेगी। अरे लेकिन अहम और जिगर कहाँ रह गए? माँ जी, वो लोग दुकान से ही ऑफिस चले गए। कोकिला, बहुत सरस छे मोटा भाभी। ठाकुर जी, कोकिला, ये केतकी बेन ने रिवाज के नाम पर तो हमारा मुंह ही बंद कर दिया है। ये तो देख कितना महंगा है। मोटा भाभी, आप बिल्कुल ठीक कह रही है। मैंने केतकी बेन से नम्र निवेदन किया था कि ज्यादा कीमती चीज लेकर हम पर बोझ मत बढ़ाइएगा, लेकिन केतकी बेन है देखिए बात ही नहीं मानी। वैसे है बहुत सुंदर, है ना? बहुत सुंदर छे। ये तो कहना पड़ेगा कि हमारी किंजल ने बहुत सुंदर गहना छाटा है। काकी, ये इलेश जी की माँ की पसंद थी। तो क्यों पड़शे, वाकई में बहुत सुंदर है। क्यों ना हो मोटा भाभी, अपने लिए बहू भी तो उन्होंने इतनी अच्छी छांटी है। माँ, मैं रूम में जाकर थोड़ा आराम करूंगी। हाँ जा। गोपी वाओ, अपना जेवर दिखाओ। अरे वाह, ये देखो कोकिला। अरे वाह, बहु मिठू छे नहीं? हाँ मोटा भाभी, बहुत ही नाजुक और बहुत प्यारा है जेवर। तुम्हारी पसंद है? जी वो काकी जी, ये अहम जी ने पसंद किया है। राशि, तुम्हारा जेवर दिखाओ। हाँ क्यों नहीं। हे भगवान, इतना महंगा जेवर तुमने क्यों खरीदा राशि? देख रही है ना आप मोटा भाभी? नहीं वो काकी जी, मैंने केतकी आंटी को कहा भी था कि इतना महंगा जेवर नहीं चाहिए, लेकिन वो मानी ही नहीं। फिर मैं क्या करती? और मैंने सोचा कि आखिर वो लड़के वाले तो उनसे बहस नहीं करनी चाहिए। क्यों मम्मी जी? अब तुम्हारी दागिनों की पंचायत खत्म हुई हो ना, तो जाओ तुम दोनों काम पे लग जाओ। राशि, मोटा भाभी ने तुम पर बहुत ही महत्वपूर्ण और खास जिम्मेदारी डाली हुई है, जेवरों की निगरानी। जाओ जाकर उस पर ध्यान दो, कहीं नग की संख्या कम ज्यादा न हुई हो। जाओ। माँ जी, मैं रसोड़ी में जाऊ? हाँ आओ कोकिला, हम हमारा लिस्ट पूरा कर लेते हैं। मेरा हार तो उस कागड़ी के आंखों में जैसे चुभ रहा है। महंगा है महंगा है, क्या खाक महंगा है। खुद तो इस उम्र में भी ऐसी बनी ठनी घूमती है जैसे चलती फिरती जेवर की दुकान है। और एक बार मेरा क्या हार उससे थोड़ा भारी हो गया तो मुझे सुना रही। एक दो तीन चार, एक
ये तीन। चार। राशि बेन, गोपी तुझे दिखाई नहीं देता, मैं यहाँ गिनती कर रही हूँ ना, और वो भी इतनी जरूरी चीजों की। गिनती भुला दी। माफ करना राशि बेन, मुझे लगा आप इतना चल फिर के आई है तो आपके पाँव पे जोर पड़ा होगा, इसलिए ये लेप बना के लेके आई आपके लिए। आप बैठिए ना, मैं आपको लगा देती हूँ। हाँ ठीक है, तू वहां रख दे, मैं बाद में लगा लूंगी, जा। राशिबेन, कॉपी क्या है? राशिबेन वो मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। क्या है जल्दी बोल। वो डांडिया की प्रतियोगिता में जो भी हुआ मैंने जानबूझ के नहीं किया, फिर भी उससे आपको दुख पहुंचाओ तो मुझे क्षमा कर दीजिए। गोपी गड़े मुर्दे क्यों उखाड़ रही है, और वैसे भी तेरे माफी मांगने से मेरा दुख कम होने वाला है नहीं, तो तू जा यहां से। फिर भूल गई। मेरी शादी तय हो चुकी है अनीता, एक बार माँ को बताओ, उन्हें बताओ कि ये तुम मुझसे प्यार करते हो। कहा ना, कुछ नहीं हो सकता। मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।